सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा न्यू हेलमेट आ चुका है यहाँ पे, और इसको मैं अनबॉक्स कर मतलब ये वाला सील खोल चुका हूँ। उसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ अनबॉक्स करके क्या है इसमें, कैसा है। और बाकी ये भी बताने वाला हूँ कि उसमें GoPro मोटो व्लॉगिंग सेटअप कैसे सेट करना है। पहले तो हेलमेट निकाल के हेलमेट के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद कैसे क्या करना है मोटो व्लॉगिंग सेटअप कंप्लीट करने के लिए वो भी बताऊँगा आगे। पहले इसको निकाल लेते हैं बॉक्स को, एक और बॉक्स है ये। तो सबसे पहले मेन जो जिससे आप ऑर्डर करोगे उसका बॉक्स रहेगा, उसके अंदर हेलमेट का बॉक्स। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद इसमें से ये निकल चुका है। अब ये वाला बॉक्स खोलने के लिए सिंपल सा दो लॉक है, बस दोनों लॉक निकालते हैं। उसके बाद इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये जैसे कि नॉर्मल से आप किसी भी थोड़ा प्रीमियम टाइप के हेलमेट पे जाओगे आपको ये वाला कवर मिल जाएगा जो कि बैग की तरह होता है। उसके बाद यहाँ पर से एक सोल है जिसके कारण हेलमेट फिक्स रहे, इसको भी निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं और क्या कैसा है। इग्नाइट, दिखने में हेलमेट कैसा दिखने वाला है। मेन इसके अंदर एक और कवर है क्योंकि स्क्रैच वगैरह से बचाने के लिए है शायद तक, इसको भी निकाल लेते हैं। और फर्स्ट लुक देखने के लिए रेडी रहना। तो ये है कुछ इसका फर्स्ट लुक। तो अब देखते हैं हेलमेट में क्या है और इसमें स्पेशल क्या है। तो यहाँ पे हेलमेट को साइड रखते हैं। हेलमेट को साइड रखने के बाद हम लोग को और एक्स्ट्रा मिल जाता है, एक कंपनी का प्रीमियम हेलमेट यूज़र मैनुअल है। ये कैसे यूज़ करना है, क्या क्या उसके बारे में पूरा डिटेल रहेगा, सो साइड करते हैं। उसके बाद है ये उसका सर्टिफिकेशन का जो भी है, हैप्पी मोटरसाइकिलिंग, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब का बारे में बताया गया है, जैसे कि डॉट। ये इसका पिन लॉक 30, जैसे कि आप फॉगी सीजन में चलाते हैं तो विंड ब्लास्ट मतलब जो सॉरी विंडसेल्ट होता है उस पर आपका फॉग नहीं जमता है। और यहाँ पर एक लॉक दिया रहता है, यहाँ से आपका पिन लॉक होते हैं, यहाँ से इसको चिपका सकते हैं, फिट कर सकते हैं। ये लॉक को भी साइड करने के बाद और एक्स्ट्रा मिल जाता है इसमें पिन, ये भी हटा देते हैं। इसके बाद इसमें मिलते हैं कुछ स्टिकर्स और की रिंग, इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद इसको भी दिखाता हूँ मैं। तो इसमें मिल जाता है हम लोगों को एक नॉर्मल सा इग्नाइट का लोगो, उसके बाद इग्नाइट का 3D स्टिकर, जो कि ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है वैसे तो। इसे भी साइड करें तो एक और इग्नाइट का लोगो का 3D स्टिकर, ये भी साइड फेंके तो फिर एक की रिंग मिल जाता है। वैसे ये काफ़ी सही लग रहा है। अब ये सबको भी साइड करते हैं और अब हेलमेट के बारे में देखते हैं। तो ये रहा हेलमेट, साइड से कुछ ऐसा लुक है। पीछे स्पॉइलर दिया गया जिसके कारण मेन मैंने लिया है इसको स्पॉइलर। इसका काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ है इसका और दिखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम टाइप में आता है। ये देख सकते हैं जैसे कि इसका पेंट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मैं मेन इसको इसी का ग्लॉसी कलर में लिया और ये वाला कलर थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इस कलर में बहुत ही कम हेलमेट दिखते हैं, जो कि इसमें से एक ये इग्नाइट आ ही जाता है। इग्नाइट पे और भी काफ़ी सारे हेलमेट आ जाते हैं इस कलर पे। जैसे कि हम ये वाइज़र खोलते हैं उसके बाद एक और अंदर वाइज़र मिल जाता है जो कि सनग्लास है। ये यहाँ पर से आप इसको खोलकर मतलब अंदर हवा जाने के लिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है। एक ऊपर है यहाँ पर से एयर वेंटिलेशन के लिए पीछे से जो कि निकल जाएगा। और यहाँ पर इसका स्पॉइलर सबसे जो कि बेस्ट लुकिंग है। और इसमें यहाँ पर पीछे आपको इसका ब्रांडिंग मिल जाएगा, डॉट सर्टिफाइड है, ISI सर्टिफाइड और डॉट सर्टिफाइड दोनों है। 1500 ग्राम करीब का इसका वेट है जो कि एक अच्छे खासे हेलमेट में आ जाता है, क्योंकि आप जितने भी थोड़े से प्रीमियम कैटेगरी में जाएंगे
उसमें आपको 1500 ग्राम से के आसपास ही मिलेगा। जैसे नॉर्मल हेलमेट में जाते हैं उसमें आपको 1200 ग्राम मिलते हैं। यहाँ पास रिफ्लेक्टर जो कि रात में रिफ्लेक्ट करने के लिए थोड़े से सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से आ जाता है ये। और इसके बाद आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को गोप्रो को कैसे सेट करना है इस पे और कैसे चिपकाना है, कैसे क्या करना है वो पूरा डिटेल के साथ, और कौन सा मतलब इसका मेथड बेटर है चिपकाने वाला या बांधने वाला जो भी रहेगा वो बताऊंगा आप लोगों को मैं। और कल चलाकर हेलमेट पहनकर चलाकर देखने के बाद भी बताऊंगा कि इसमें चलाने में कैसा लग रहा है ये, मतलब देखने में तो जो भी है सही लग रहा है, उसके बाद पहनने के बाद चलाने में कैसा लग रहा है वो। वैसे तो पहनने में तो बेस्ट लगने वाला क्योंकि पैडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बेटर है और एकदम फिट आने वाली है। इसका एक डिसएडवांटेज लग रहा है मेरे को कि ये यहाँ पर आपका क्विक रिलीज नहीं दिया गया है एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि अगर आपको तुरंत निकालना पड़ा तब ये थोड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन एक तरीके से ये सही भी है क्योंकि अगर फिट रखना है आपको तब फिर ये सही है आपके लिए। तो सबसे पहले चाहिए हमको ये एक्सन प्रो का एक स्टिक माउंट है जिसको पीछे 3mm का टॉप टेप है और इसके अलावा एक और टेप है, हमको यहाँ पे चिपकाना होगा। वैसे चिपकाने का यहाँ पे जगह भी नहीं है, लेकिन चिपकाने की जगह बनाना पड़ेगा क्योंकि हमको यहाँ पर जो स्ट्रिप वॉल आता है वो नहीं यूज़ करना है क्योंकि उसके कारण यहाँ से हल्का हल्का हवा जाता है, आवाज़ करेगा जो कि। तो यहाँ पर चिपकाते हैं, पहले देखते हैं जगह बनाते हैं उसके अंदर बताता हूँ चिपका कर। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको तो चिपका लिया है क्योंकि वेंटिलेशन यहाँ पर एयर वेंटिलेशन का ऑप्शन है जिस कारण यहाँ पर नहीं बन रहा था चिपकाते, लेकिन फिर भी हल्का सा जगह देकर साइड वाला जो जिसके कारण सपोर्ट में चिपक चुका है ये, और देखते हैं इसमें कितना सपोर्ट आने वाला है। वैसे तो काफ़ी सपोर्ट रहने वाला क्योंकि पिछले बार भी मैंने यही वाला यूज़ किया था। देखते हैं अब इसमें क्या सीन होने वाला है। और यहाँ बस कैमरे को कुछ इस तरीके से फिट करना है, ये केसिंग रहेगा जिसके अंदर आपका कैमरा अंदर फिट हो जाएगा, उसके बाद नीचे जगह है जिसमें माइक अडॉप्टर आएगा और यहाँ पर से उसका स्विच निकाल कर माइक अडॉप्टर का चार्जर वाले में जाएगा। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पास वाला जो माउंट रहेगा उसको नॉर्मल सा इसमें फिट कर देना है। ये अच्छे से लॉक हो गया, फिट हो गया। अब इसके बाद सबसे मेन दिक्कत आने वाला है माइक का, पूरा पैडिंग निकालना पड़ेगा इसका। पूरा पैडिंग निकालने के बाद जितना मेन में एक्चुअली मेरे पास बोया का माइक है, और बोया का माइक का दिक्कत यह है कि इसके बाद बहुत ज़्यादा बड़ा इसका तार रहता है, दिक्कत ये। अब इतना बड़ा तार को इसके अंदर पूरा फिट करना है ताकि निकले भी ना, दिखे भी ना और पता भी ना चले अच्छे से, मतलब। तो देखते हैं, पहले मैं पूरा फिट कर लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ कैसे मैंने क्या किया है।